ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। यदि आपके घर में कोई लंबे समय से बीमार चल रहा है या आपके घर में निरंतर लड़ाई रहती है, घर में पैसे का आगमन नहीं होता, घर में एक दूसरे को देखकर घर में कंटिन्यू लड़ाई बजती रहती है और घर में बिल्कुल अशांति का माहौल बना हुआ है, तो ऐसी स्थिति में आप यदि आपके घर में माता मदनन पूजी जाती है तो आप माता मदनन का उतारा कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि माता मदनन का उतारा कैसे किया जाता है, किस तरीके से माता मदनन का उतारा दिया जाता है, तो मैं आज आपको बता दे रहा हूं। हालांकि आज तक आपको आपके गुरुओं के अलावा किसी ने आज तक इस बात को नहीं बताया होगा कि माता मदनन का उतारा किस तरीके से दिया जाता है, तो मैं आज आपको बता दे रहा हूं कि उतारा किस तरीके से दिया जाता है। इसके लिए आप एक केले का पत्तल ले लीजिए, केले का जो पत्ता आता है उस केले के पत्ते को आप काट लीजिए, उसको किसी पत्तल के ऊपर रखकर, पत्तल जिसमें खाना खाते हैं, जो पत्तल आते हैं दोनों टाइप आते हैं, उसके अंदर केले के पत्तों को रखकर उसके अंदर 7 प्रकार की मिठाई प्लस 7 कंकर जो कि चौराहे से मिलती है, चौराहे से 7 कंकर लाकर उसके अंदर रख लीजिए, साथ ही एक कच्चा अंडा और एक देसी दारू का पौवा और 2 लड्डू अलग से भैरवदेव के। तो ये सभी सामान घर में जो व्यक्ति घर में बीमार है या आपके घर में कंटिन्यू लड़ाई रहती है तो पूरे घर में घुमाकर, और यदि कोई व्यक्ति बीमार है तो उसके सर से 7 बार घुमाकर आपको शनिवार के दिन यह सभी सामान जाकर चौराहे पर देकर आ जाना है। चौराहे के साइड में रखकर आना चाहिए, चौराहे के बीच में मत रखकर आना, साइड में रखकर आना है ताकि आने जाने वाले व्यक्ति को किसी को परेशानी ना हो और आने जाने वाले व्यक्ति उसमें किसी प्रकार का उसको लांगे ना और या किसी व्यक्ति का उसमें पाँव ना लगे, इसलिए साइड में सामान देना चाहिए। और जिस समय सामान दे उस समय आपका मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए और अंडे को नीचे रखकर उसके ऊपर दारू के पोगे से 3 धार आपको देनी है, 7 प्रकार की मिठाई वहीं पर निकाल कर रख देनी है, 7 कंकर वे भी वहीं पर आपको जुगतु पत्तल, आपको केले का पत्ता जुगतु आपको रख देना है। तो इस तरीके से आप देखकर चुपचाप अपने घर आ जाइए, आते जाते हुए आपको किसी से वार्तालाप नहीं करनी है। इस तरीके से आप उतारा माता मदनन का आप उतारा दे दीजिए, आपके घर में तत्काल आराम होगा, तत्काल आपके घर में जो झगड़े हो रहे हैं शांत हो जाएंगे और जो घर में व्यक्ति बीमार है तुरंत ही उसको दवाई लगनी प्रारंभ हो जाएगी, तुरंत ही उसे आराम लगना प्रारंभ हो जाएगा। क्योंकि जिस परिवारों में माता मदनन पूरी जाती है उस परिवार में माता मदनन का कर्तव्य होता है कि परिवार में जो भी व्यक्ति है, जो भी समस्या आ रही है, उसका समाधान करना माता मदनन। तो इस तरीके से माता मदनन का आप उतारा कीजिए और अपनी समस्याओं से मुक्ति पाइए। सभी भक्तों को जय श्री राम।